कि बिल्कुल सेम टू सेम वैसा टेस्ट जैसा आपको पेपर आएगा, बिल्कुल उसी लेवल का, उसी हिसाब को देखते हुए बनाया जाता है। बच्चों, मॉक जो होते हैं, कोई भी मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर के आधार पर बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि भाई कैसा आएगा वो कोई नहीं जानता, लेकिन पहले कैसा आया था वो सब जानते हैं। उस आधार पर जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है तो आपका लेवल थोड़ा सा बढ़ जाना चाहिए। उस हिसाब से हम पिछली बार के मुकाबले इस बार पेपर को थोड़ा सा मुश्किल लेकर के भी चल रहे हैं। और ये आरडब्ल्यू की खासियत है कि वो अपने लेवल को बहुत ज़्यादा डाउन नहीं करता है। तो अब इस बार, चूंकि देखिए, अगर आप पहली भर्तियों पर जाएंगे 2018 वाली, तो उस टाइम पे ऑनलाइन का उतना जोर नहीं था। लोग जो बच्चे होते थे वो अपने अपने आसपास के कोचिंग सेंटर्स में पढ़ रहे थे। हम लोग भी अपने ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स में पिछली बार बच्चों को पढ़ा के सिलेक्ट करा चुके हैं। पर बच्चों, अब ऑनलाइन है, और ऑनलाइन में अगर आप सौभाग्यशाली खुद को ये समझते हैं कि हम बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, आरडब्ल्यूए से जुड़े हैं, बहुत अच्छी तैयारी ये लोग करवाते हैं, बिल्कुल आप सही प्लेटफॉर्म पे हैं, सही जगह पे हैं, और ये सोच भी सही रहे हैं कि हम बहुत अच्छी तैयारी करवाते हैं। लेकिन ये आपका सौभाग्य जरूर है, लेकिन दुर्भाग्य आपका ये भी है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म केवल आपके पास नहीं है, अब सबके पास है। तो कंपटीशन में सब अब तगड़ी टक्कर देने वाले हैं। अब बात ये है कि जो लूज पड़ेगा उसका सिलेक्शन बिल्कुल दूर दूर तक कोई चांस नहीं है। अब जो बहुत ही परफेक्ट लेकर के चल रहा है हर चीज को, उसी का ही सिलेक्शन होगा। जहां भी आप थोड़े से भी लूज पड़े, समझ लीजिए सिलेक्शन उसी दिन आपका खत्म हो जाएगा, आपसे दूर हो जाएगा। भले ही 60,000 वैकेंसी हो, पर 60,000 30 लाख फॉर्म के सामने कुछ नहीं होंगी। 60,000 फॉर्म के सामने, 30 लाख फॉर्म के सामने 60,000 वैकेंसीज बहुत ज्यादा नहीं है, अगर आप ये सोचते हो तो। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि भैया 50 बच्चे में से एक का सिलेक्शन हो जाएगा। क्या रेशो आ रहा है? 30 लाख फॉर्म में अगर 60,000 वैकेंसी है, तो रेशो आता है कि भाई 50 बच्चों में से एक का सिलेक्शन। बिल्कुल यही रेशो पड़ेगा ना बच्चों, 50 में से ही पड़ेगा ना, 6, 60, 6 लाख, 10 और 5। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो 50 बच्चों में एक का सिलेक्शन। अब आप सोचो कि 50, आप अपने गांव में अकेले हो और ये सोच रहे हो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप गांव से सोच कर देखो 50 लोगों के फॉर्म कितने ढेर एरिया में बैठेंगे। उन 50 में से जिनके 50 के फॉर्म है, सिर्फ एक का सिलेक्शन होना, ये रेशियो है। मैं ये नहीं कहता कि आपके गांव से सिर्फ एक का होगा, पर मैं एवरेज बता रहा हूं आपको कि ऐसे होता है। आपके गांव से हो सकता है 10 लोग हों, 10 में से 5 का सिलेक्शन हो जाए, वो अलग बात है, लेकिन एवरेज ये आ रहा है ओवरऑल कि 60 में से 1 का सिलेक्शन, 50 में से 1 का सिलेक्शन। तो कहीं ना कम कंपटीशन तो बहुत बड़ा है। अगर आप इसको छोटा मान के बैठे हो तो ये आपकी गलत फहमी है। और उनमें भी, हाँ मैं ये मानता हूं और आप लोगों को भी मानना चाहिए कि देखिए, 60,000 में 30 लाख लोग नहीं पढ़ते हैं, पढ़ने वाले सिर्फ 2 लाख बच्चे होंगे। इन 2 लाख में से आपको अपना कंपटीशन निकालना है, 2 लाख में से एक सीट पक्की करनी है। और ये 2 लाख वो हैं जो आप जैसे ही तैयारी कर रहे हैं, आप जैसे ही प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं और दिन रात एक कर रखे हैं। अब इनमें से निकल पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहां से सिर्फ वही आगे बढ़ेगा। इन 2 लाख में से सिर्फ सेलेक्ट वही होगा जो लगातार मेहनत कर रहा है, एक क्षण के लिए भी ये नहीं सोचता कि भाई मुझे वहां जाना है, मुझे ये काम करना है, मुझे वो करना नहीं, मुझे पढ़ाई करनी है बस पहले। हाँ, घर के कामों में अगर वो हाथ भी बटाता है, मैं ये नहीं कहता कि आप सब कुछ छोड़ दो, हाथ भी बटाता है, तो फिर भी उसको दिमाग में चिंता रहती है कि भाई मैं, मेरे को पढ़ना चाहिए, आज मेरा ये छूट गया है काम, इसको मैं कंप्लीट करके ही सोऊंगा आज। तो अगर इस तरह की मानसिकता से पढ़ाई कर रहे हो, तो निश्चित तौर पर आप सिलेक्शन लेकर के मानोगे। और बच्चों, इसके लिए आरडब्ल्यू ऐप के साथ है, और वो हर बच्चे के साथ है जो भी मेहनत मेहनत करना चाहता है और पूरी जान लगाना चाहता है। हाँ, 40 दिन हैं, 40 में भी अब कम ही बचते जा रहे हैं, अभी भी 40 डेज हैं। 2024 आने वाला है, आज 2023 को टाटा बाय बाय हम लोग बोलने वाले हैं।
सभी को एडवांस में नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन बेरोजगार का नववर्ष सिर्फ तभी होता है जब उसको रोजगार मिल जाए, वरना हर वर्ष ऐसा ही होगा जैसा पिछले वाला था। ये 2024 2023 की तरह ना जाए। अगर आप ऐसा चाहते हो तो इसके शुरुआती मंथ कभी किसी को नहीं मिलते ऐसे जैसे आपको मिल रहे हैं, क्योंकि अगर ये 2024 ऐसे आता कि मेरे पास सामने कोई वैकेंसी नहीं है, पता नहीं मैं कब कैसे कब फॉर्म आएंगे, कब नौकरी लगेगी, ये सब तो होता है कि भाई देखिए अंधकार में हम लोग चल रहे हैं। लेकिन अब सब कुछ साफ साफ मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर मैं 2024 के शुरुआती 40 दिन बहुत मेहनत कर दूं तो 2024 में मेरे बदन पे वर्दी होगी, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। ये बच्चों गोल्डन चांस है जो आपको 2024 पहले दिन से दे रहा है। इससे बढ़िया साल आपके लिए नहीं आया होगा कभी। तो जान लगा देना, जान लगा देना बच्चों। हर जान लगाने वाले बच्चे के साथ मैं बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के खड़ा हूं। आपको जब भी जहां भी मेरी जरूरत है, जिस चीज की भी आरडब्ल्यू से जरूरत है, हर जरूरत हम लोग आपकी पूरी करने को तैयार है, हर जरूरत। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आज इसकी कि भाई आज का जो मॉक टेस्ट है, मैं मॉक टेस्ट एनालिसिस के माध्यम से आप लोगों से जुड़ता हूं सिर्फ इस वजह से कि आप लोग अगर थोड़े से डिमोटिवेट हो तो थोड़ा सा मोटिवेशन आप में फूंक दूं, और फिर आपकी जो कमी चल रही हो आप उन पे काम करके यहां सिलेक्शन ले जाएं। बच्चों अगर आप ये सोच रहे हो कि मैंने पिछली बार भी मॉक टेस्ट दिया था यूपी पुलिस का, पिछले साल पिछले हर हफ्ते आता है सुबह 6 बजे रोजगार विधंकित एप्लीकेशन पे। अगर आप सोच रहे हैं मैंने पिछले हफ्ते दिया था 24 तारीख वाला, संडे को होता है, तो उससे मेरे 5 नंबर बढ़ गए, 4 नंबर बढ़ गए, तो मैं बहुत बड़ा तुर्रम खान हो गया हूं। तो आप ये समझ लीजिए कि भाई साहब आप गलत फहमी में हैं, क्योंकि पेपर ही पिछले वाले के मुकाबले 8 नंबर 8 मार्क्स 4 क्वेश्चन तो आसान ही बनाया हमने, और ऐसा बनाया कि सबके 8 बढ़े। अगर आपके 8 भी नहीं बढ़ रहे हैं तो फिर आपने बहुत बड़ा तीर नहीं मारा, आपने पहले से तैयारी घटाई दी अपनी। हाँ आपके 9 बढ़ रहे हैं तो मैं कह सकता हूं पहले से 1 नंबर ज्यादा ला रहे हैं। आपके 10 बढ़े हैं, पहले से 2 नंबर ज्यादा बढ़ गए, तो 8 नंबर का तो पेपर ही आसान है पिछले से। तो अब आप ये देख लो पिछले वाले मॉक के मुकाबले मेरा इस बार मॉक में कितना स्कोर बढ़ा है। मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूं, मैंने पिछली बार एक सलाह दी थी आप बच्चों को कि आप इस वीडियो को मेरी को अपने मम्मी पापा या भाई बहन जो भी आपकी पढ़ाई की चिंता करता है आपके घर में से, प्लीज उनके साथ देखा करो। आपको मैं गारंटी से कह रहा हूं नंबर बढ़ाने का इससे बड़ा हथियार नहीं है। अगर आप ये सोचते हो और मुझसे पूछते हो कि नंबर मेरे कैसे बढ़ेंगे, तो एक सबसे बड़ा कारण ये दे रहा हूं मैं आपको आपके मार्क्स बढ़ाने का। अगर आप अपने घर वालों के साथ आपके जो पढ़ाई के संरक्षक हैं जो आपकी पढ़ाई का ध्यान रखते हैं उनके साथ अगर इस वीडियो को देखते हो तो निश्चित तौर पे कह सकता हूं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप हर हफ्ते अपने मार्क्स में इंक्रीमेंट करोगे, बढ़ोतरी करोगे ही करोगे। ठीक है, चलिए अब मैं बात कर लेता हूं बच्चों कि आज कितना अटेम्प्ट किया है बच्चों ने। और मैं उन बच्चों से सबसे कहना चाहूंगा कि जो भी बच्चा इस वीडियो को देखे तो प्लीज पहले इस पेपर को अटेम्प्ट करके आया करो तो मजा आएगा आपको। तो भाई 72,100 बच्चों ने ये मॉक टेस्ट दे लिया है, इस वीडियो को देखेंगे 4-5 लाख बच्चे, टेस्ट दिया सिर्फ इतने लोगों ने। कुछ नए बच्चे ऐसे पूछना चाहेंगे क्या सर मेरे को मॉक टेस्ट देना चाहिए, तो मैं उनको सलाह दे देता हूं कि भाई अब इतना टाइम नहीं है कि आप अपनी तैयारी करके तब मॉक शुरू करो, देते रहो साथ साथ पढ़ाई भी चलती रहेगी, संडे देते रहो यार, आपको तुरंत अपनी ये पता लग जाएगा कैसे कैसे क्वेश्चंस मेरे को पढ़ने चाहिए और कैसे कैसे पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, तो 72,100 बच्चों ने टेस्ट दिया है और आज जो ऊपर के 100 बच्चे हैं वो 235 से ज्यादा मार्क्स कर रहे हैं, ऊपर के 100 यानी टोटल 72,100 में से ये जो 100 बच्चे हैं ये 235 से ज्यादा स्कोर करने वाले हैं। यानी पेपर बहुत ज्यादा स्कोर करने वाला तो नहीं आया,
कि आप 290 और 280 और 260 कर लो, पर 235 से ऊपर 100 बच्चे हैं। पर नीचे अब यहां से आपको पता चलेगा कि भाई साहब जो 500 बच्चे हैं ना वो 222.5 से ज्यादा स्कोर कर रहे हैं, 222.5 से 500 बच्चे। और मैं 1000 बच्चों को लूं तो वो 216.5 से ज्यादा स्कोर कर रहे हैं, जबकि 2000 बच्चे 209 से ज्यादा स्कोर कर रहे हैं और 5000 बच्चे 197 से ज्यादा स्कोर कर रहे हैं। 10,000 स्टूडेंट्स 183.5 से ज्यादा स्कोर कर रहे हैं। अब आप ये पूछना चाहोगे मुझसे कि भाई इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी या ऐसा पेपर आया तो कितनी कट ऑफ जानी चाहिए, तो वो मैं अभी जस्ट आपको बता रहा हूं इसके तुरंत बाद। बच्चों जैसे अगर आज मैं आज के टॉपर्स देखूं, भाई साहब देखो मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि आपको अगर सेलेक्ट होना है यूपी पुलिस में तो मैं आपको एक सलाह दूंगा कि 5000 में अपने आप को बनाए रखो, 5000 रैंक में। जैसे 72,000 ने दिया है ना, तो 72,000 में से करीब करीब 70,000 में से 5000 के अंदर आपकी रैंक होगी तो मुझे ऐसा लगेगा कि आप सेलेक्ट हो जाओगे। अब ये टेस्ट दे ले करीब 1,00,000 बच्चा, तो मुझे आपकी चाहिए कि भाई आपके 7000 के अंदर रैंक हो, ठीक है। और 50,000 अगर बच्चे 50,000 ही अटेम्प्ट करें तो मुझे फिर चाहिए आपकी जो है 3,000 के अंदर रैंक। तो इस तरीके से आप अपने आप को तैयार कर लीजिए। अब जैसे मैं इसको 5,000 स्टूडेंट्स का देखूं, मुझे ये चाहिए थी आज आपकी रैंक कम से कम, अगर आपको सेलेक्ट होना है तो, कि देखिए 14-15 तो आपके मैथ्स में होने चाहिए थे, रीजनिंग आपकी 38-40 होनी चाहिए थी, मार्क्स हैं काट पीट के, और जीएस आपकी 15 से 17 के बीच में होनी चाहिए थी, और हिंदी भी 26 से 28 होनी चाहिए थी। अब मैं आपको और बता देता हूं कि देखिए हिंदी मुश्किल आई है आज की, क्योंकि देखो अगर जो मैं ऊपर के 500 बच्चे भी लूं वो भी 30-31 ही कर पा रहे हैं, हिंदी यानी थोड़ी सी मुश्किल बनी है, जबकि इनका 34-35 होना चाहिए। तो मैं सबको सलाह दे रहा हूं कि भाई साहब अगर आपको यूपी पुलिस में नंबर लाना है ना तो हिंदी को 34-35 करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है और ये हो जाएगी, थोड़ी सी मेहनत में हो जाएगी ये, ठीक है, ये आप कर सकते हो। हालांकि आज तो 500 बच्चे भी इतनी नहीं कर पा रहे, जो ऊपर के 500 वो भी 30-31 तक जा पा रहे, तो इसका मतलब हिंदी मुश्किल आई है। अगर मुश्किल आई तो मैक्सिमम मुश्किल यही हो सकती है, इससे ज्यादा मुश्किल नहीं रहेगी जो आज आई है, ठीक है। अब मैं जीएस की बात करूं तो जीएस इसमें बहुत ज्यादा आप उम्मीद मत करके चलना है ना, जो 500 बच्चे भी है तो आप 20 आज के पेपर में जीएस का अच्छा स्कोर था, लेकिन ये 15-17 पर ही है, पर 15-17 भी एक बुरा नहीं माना जाएगा, ठीक है। रीजनिंग 38-40 ही आइडियल स्कोर है, तो आप ये देखो कि भाई ये एक आइडियल स्कोर हमारा बन के आ रहा है कि हम हर सब्जेक्ट में इतना कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। अगर नहीं कर पा रहे हो तो कौन से में कमजोर हो उस पर काम करो। और ये बच्चों मैंने पिछली बार एक बात बोली थी आपको कि आप एक काम जरूर करना, एक हर टेस्ट के बाद एक पेज बनाना और उस पर तारीख डालना, कौन से टेस्ट की बात है तारीख के साथ, तो ये लिखना उसमें कितने प्रश्न सब्जेक्ट वाइज आते हुए गलत, ऊपर लिखना इधर मैथ रीजनिंग जीएस हिंदी, इधर लिखना आते हुए गलत, उनमें फिर लिखना। जो ऐसे मत कि भाई ये तो मैं ऐसे करके थोड़ा सा देखूंगा तो कर लूंगा, वो नहीं आता हुआ गलत। आता हुआ गलत है कि मैंने कुछ गलत पढ़ लिया, आता तो मुझ पर अभी भी है पर मैंने गलत पढ़ लिया जल्दबाजी में, उस वजह से गलत हुआ, तो वो आता हुआ गलत है। ऐसा नहीं है कि मैं इसको थोड़ा सा उस वीडियो से देख लूं या कॉपी से देख लूं तो ये मैं कर लेता, नहीं, जरा कोई भी देखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी अभी मैं करवाऊं तो अभी उसको आप 10 बार कर दोगे वो वाला क्वेश्चन। ऐसे कितने प्रश्न गलत हुए, और ऐसे जरूर आपको देखो, मैंने पिछले वीडियो में भी इसी बात पर जोर दिया था और मैं फिर दे रहा हूं कि 5-6 क्वेश्चन आपको 100% मिल जाएंगे ओवरऑल, और 5-6 नंबर का मतलब होता है, 5-6 क्वेश्चन आते हुए गलत हो जाने का मतलब है 15 नंबर। क्यों? एक क्वेश्चन तो 2 नंबर का ही है, पर चूंकि वो आधा नेगेटिव में भी तो लेके जा रहा है हमारा, तो 6 में 2.5 की गुणा करोगे तो 15 नंबर, सीधे 15 नंबर बढ़ेंगे आपके। तो प्लीज ऐसी गलतियां मत करना, इसके सॉल्यूशन अभी खुल जाएंगे,
इसके एनालिसिस के बाद, इस वीडियो के बाद, हो सकता है अभी खोल भी दिए गए हों, आज के टॉपर्स बॉयज बता देता हूं कि भाई साहब इतना इतना स्कोर किया है आज। शेखर नागर टॉपर रहे हैं 273.5, गजब का स्कोर है। और ये काशवी सहोटा ये हैं 242.5, लड़कियों में टॉपर। ये इतने इतने आज टॉपर्स के स्कोर आपको दिख रहे हैं। अब आप मुझसे पूछना चाहोगे कि सर आज जो कट ऑफ है ना, वो मेल की बच्चों 205 से 206, ये मेल की कट ऑफ होनी चाहिए आज के पेपर में। और अगर मैं फीमेल की बात करूं तो ये 192-193 अब से होनी चाहिए। अब आप ये देखो कि आप कहां कम, ये मैं जनरल के हिसाब से बताता हूं कि अगर ऐसा पेपर आया तो आप